के 20 लाख लोगों द्वारा, 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो NSA लगाकर अंदर रखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे लेकिन मैं आपको कहता हूं उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहां के हैं ये पहले? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द डिबेट वॉर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारा पूरा देश जानता है कि पंजाब की सत्ता को बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने ही पंजाब में खालिस्तानी प्रॉब्लम को क्रिएट किया था, और ठीक वैसा ही पॉलिटिक्स उनके पोते उनके परपोते राहुल गांधी हमारे देश की सत्ता को अपने हाथों में लेने के लिए पंजाब में खेल रहे हैं। और खुलेआम खालिस्तानी के सदन से एक सर्टिफाइड खालिस्तानी अमृतपाल सिंह, जो कि पंजाब से लोकसभा में चुनकर आया है, उसका खुलेआम समर्थन करता हुआ दिखा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के वर्तमान सांसद साथ में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री जिनकी हत्या खालिस्तानी, उनको भी आज घसीट कर ले आया। लेकिन मजा तो तब आया जब बेन सिंह के पोते और बीजेपी के सांसद रवनीत सिंह चन्नी को जवाब दिया और जमकर इनको लताड़ा और इनके कान के पर्दे फाड़ दिए। बाकी क्या कुछ हुआ है आज के डिबेट में, चलिए मिलकर देखते हैं। डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को आखिरी तक देखें, और यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पिक्चर चालू करो बे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान, जो एक मशहूर सिंगर था, उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो NSA लगाकर अंदर रखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष के व्यक्तियों को केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए छोड़ दी जाती, उनको अंदर रखा जाता है, यह भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी यह भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। हरियाणा में नेशनल हाईवे को पक्का जाम कर दिया है और किसान यहां तक नहीं आ पा रहे, उनको मिला नहीं जा रहा, यह भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी यह भी है, अरे 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 फीलिंग ले लो, गद्दारी का मूल्य मिला है आपको, इसकी फीलिंग ले लो, अच्छा लग रहा है। इमरजेंसी यह भी है कि देश का एक राज्य मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है और उसको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है, इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि हाथरस यूपी में एक दलित लड़की को आधी रात में जबरन अंतरम संस्कार किया गया। इमरजेंसी ये भी है कि मध्य प्रदेश में दलित व्यक्ति को के सिर पर मुंह पर पेशाब कर दिया गया। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि अपनी इज्जत के लिए धरना दे रही महिलाओं पहलवानों को प्रदर्शन में प्रोपोगंडा बताया गया। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि कोई पत्रकार सवाल करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि अपनी शिक्षा के लिए उतरे छात्रों को देश द्रोही बताया गया। इमरजेंसी ये भी है। किस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं? सुन, कोई बात नहीं, क्या क्या बेचोगे? सारे एयरपोर्ट जहाज बेच दिए, आप देश की संपत्ति के कस्टोडियन हो, मालिक नहीं हो। आप इसको बेचने की गलती मत करो, देश बर्बाद करने की मत करो। आप अपने आप को स्टेट्समैन बोलते हो, आप अपने आप को देश के बहुत बड़े खैर ख्वाह बोलते हो और देश को बेच रहे हो। गरीब आदमी कहां जाएगा एक दिन? प्रधान सेवक
जो हार समझकर पहना था गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। माननीय चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सत्ता पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सत्ता पे काबज हुए और फिर सत्ता के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। और मैं बस एक बात करके बोलिए बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। आज देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। मैं आग्रह कर रही हूँ माननीय चेयरमैन जी, आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे, उनको बुलाइए, वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील, माननीय चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो, ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है, और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई, सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में, ये सबसे करप्ट है। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट वीडियो के बारे में यदि आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और शानदार डिबेट में।